हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हारे साथ हिंदी क्लास को करने के लिए पहला दिन चला आया। आज कौन सा कक्षा में? कक्षा नंबर 4 में रिम झिम 4 का क्लास यानी हिंदी का पार्ट लेने के लिए आज तुम्हारे पास मैं चला आया। तो हम तो स्कूल में नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना के जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसलिए हम स्कूल नहीं आ सकते, घर में बैठ कर ऑनलाइन में क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो रिम झिम 4 है कक्षा 4 का पार्ट, तो चलो पहले शुरू करते हैं। रिम झिम 4 का पहला वाला पार्ट चैप्टर का नाम क्या है? देखो, मन के भोले भाले बादल। क्या है नाम? मन के भोले भाले बादल, चैप्टर नंबर 1, डे नंबर 1। तो चलो, ये है देखो भोले भाले बादल, और इस कविता का ये एक राय में कविता है। इस कविता का रचनाकार का नाम क्या है? देखो, इस कविता का रचनाकार का नाम है कल्पनाथ सिंह। कल्पनाथ सिंह। तो लेखक यहाँ पर बादल को एक इंसान समझते हैं। इंसान का मतलब मानुष। এখানে লেখক কি করছে, এই যে বাদল অর্থাৎ আকাশকে কি বলছে, মানুষের সাথে তুলনা করছে। এই দেখো, তো চলো। ঝব্বর ঝব্বর বালো বালে, ঝব্বর ঝব্বর বালো বালে। ঝব্বর কা মতলব হে কারলি, কোঁকড়ানো চুল যেরকম হয় না বাচ্চাদের, ঠিক সেরকম। তো ইয়াঁ পর লেখক বাদল কো ইনসান ইয়ানি কে ছোটে বচ্চে সমজতে রহতে হে, ইসলিয়ে इस बादल को वो कैसे समझती है? झब्बर झब्बर यानी कोकरानो चूलेर मतो मने होचे, कोकरानो चूलेर मतो, कोकरानो चूलेर मतो मने करचे। गुब्बारे से गालो बाले, गुब्बारे माने कि बेलून, बेलुनेर मतो गालगुलो के मने करचे। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। दौड़ लगे दौड़ने, दौड़ने का मतलब है कि আসমান আকাশ থেকে, মেঘ এদিক থেকে যে এদিকে যায় আকাশটা, সেটাকে বলছে কি? লাগে দৌড়নে আসমান মে ঝুম ঝুম কর কালে বাদল। ঝুম ঝুম কা মতলব হয় নেচে নেচে। ফির সে দেখো, ঝব্বর ঝব্বর বালো বালে, গুব্বারে সে গালো বালে, লাগে দৌড়নে আসমান মে ঝুম ঝুম কর কালে বাদল। নেক্সট দেখো, কুছ জোকার সে তোত ফুলায়। तोत का मतलब है पेट। जोकर का जो ऐसे पेट होती है ना, वो सर्कस में जैसे हंसाता है ना, वो छोटे बच्चे जैसे, छोटे बच्चे क्या करती है, जब जोकर की तरह वो तोत फुलाते हैं। कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ बादल को ये ऐसे लग दिए जो सूर उठाए, सूर से क्या वो पानी छिटकती है, ऐसे लगती है। कुछ उटो से कुबर बाले, उट का मतलब क्या है, जेटा के हमरा उट तो तुमरा सबाई जानो, से उट से कुबर, कुबर का मतलब कूच। ऐ जे मरुभूमि जे हमरा उट देखते पाए, तादेर पीठे जे कूच थाके, एखाने की करे तारा जल राखे मरुभूमि ते, जाते दूर थेके दूर गेले तारा एखान थेके जल निते पारे, खेते पारे। कुछ परियो से पंख लगाए, जानो मने हबे परीदेर मतो, परीरा जेरकम पाखा मेले ओड़े सेरकम मने होच्छे। ताहले इस बादल को लेखक ने एक छोटे बच्चे की तरह वो समझने लगे, उसके बालों को, गालों को, पेट फुलाए, कभी हाथी से उसको तुलना कर सकती है, कभी ऊँट से वो तुलना कर सकती है। आपस में टकराते रहे रहे, टकराते मतलब दोनों बादल जब मिलती है तब क्या बिजली बरसती है ना, तो आपस में टकराते रहे रहे शेरों से मन वाले बादल। शेरों, शेर वन में जो जंगल में जो शेर रहते हैं ना, वो क्या जंगल का राजा होती है, वो अपने मन से ही रहते हैं ना। बादल भी खुद को शेर समझती है और खुद की तरह वो खुद रहती है। तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा, बादल को लेखक ने एक इंसान समझती है, एक छोटे बच्चे की तरह समझती है, और इसको यहाँ पर रचना करके दिखाया है। ठीक है, तो ये था मन के भोले भाले बादल का स्टैंजर्ड। नेक्स्ट दिन जो स्टैंजर्ड है वो मैं पढ़कर तुमको सुनाऊंगी, उसके बाद इसका वर्ड मीनिंग भी तुमको मैं सिखाऊंगी। तो इसे अच्छी तरह से घर में रीड करना, यहाँ पर जो जो स्पेलिंग है वो भी रीड करना। तो आज यही तक स्टूडेंट्स, बाय।